क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो आज वाली वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज वाली वीडियो में गाइज अपन अपनी क्वीन को लेवल अप करेंगे, लेजेंड लीग का एक अटैक करने वाले, जो आर्मी अपन यूज कर रहे हैं हाइब्रिड अटैक बोलते हैं, तो हाइब्रिड अटैक करने वाले। एंड मतलब अपनी जो लूट है ना, वो जो इतनी वेस्ट हो रही है, अगर आप देखोगे डार्क एलिक्सर भरा पड़ा है, अगर मैं आपको ट्रेजर दिखाऊं भरा पड़ा है, मतलब डार्क तो ऐसे, मतलब हर अटैक में मेरा डार्क एलिक्सर वेस्ट हो रहा है, टोटल वेस्ट जिसको बोलते हैं ना वो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अभी मेडल्स में आऊं, तो मेडल केवल 25 है, बैड लक। बट गाइस यहां पर अपने पास है मैजिकल आइटम में हैमर ऑफ हीरो, तो जी हाँ वन क्लिक टू अपग्रेड। तो अपन करने वाले क्वीन को एक लेवल अप। वेयर इज माय क्वीन, काफी दिन हो गए 70 पे अटके हुए। क्वीन कम ऑन 71। सो गाइस क्वीन हो चुकी है 71, तो 10 लेवल न्यू आए थे हीरोज के, हमने एक कर लिया है, 9 मोर टू गो। सीरियसली 9 मोर, मतलब नो और चाहिए अभी गाइस, आर यू किडिंग मी, मतलब अभी करनी है। एंड इलिक्सर अभी फुल है, तो अपन एक दो वॉल अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर आओ 60 लाख 2 एंड वॉल अपडेट कर रहे हो, नाइस। अभी गाइस मेरे को केवल 40 वॉल्स और अपडेट करना बाकी रह गया, बाकी अपनी वॉल्स भी जल्दी जल्दी अपन मैक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 160 वॉल्स हो चुकी है मेरे पास लेवल 14 की, एंड जो बची है कितनी, 140 बची है लेवल 13 की, तो उनको भी जल्दी अपग्रेड करेंगे। बट अभी 50 कर सकते हैं, तो 100 तो लेवल 13 ही रहने वाली है, सो कोई बात नहीं। एंड अभी लैब के अंदर गाइस अपना लावा हाउंड अपन ने अपग्रेड पे लगाया था, 10 डेज 6 और अभी इसके बचे हुए हैं। एंड इसके अलावा गाइस एक ये कैनन मैक्स हो रही है, कि ये कैनन मैक्स हो रही है, तो अपन दो कैनन पे फर्क कर रहे हैं, दो कैनन को मैक्स कर रहे हैं। एंड अभी इतना गोल्ड नहीं हुआ कि एक और कैनन अपग्रेड पे डाली जा सके। बिल्डर है, बिल्डर को मैं ट्रैप्स पे नहीं लगा रहा यार, ट्रैप्स पे लगाने में ट्रैप्स एंडिंग में कर लूंगा। अभी ऑलरेडी गाइस ये वाला बॉम्ब वाला बिल्डर भी फ्री होने वाला है, देख सकते हो। बाकी तो 11 डे 11 डे 14 ओवर है। एंड यहाँ पर न्यू ट्रूप गाइस अनलॉकिंग के लिए मैंने लगा रखा है, तो बड़ा जल्दी इस पर भी वीडियो अपन कवर कर लेंगे न्यू ट्रूप पे, बट अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। एंड चलिए अब जो मैंने आपको सेकंड चीज बोली थी कि अपन लेजेंड अटैक करेंगे, तो लेजेंड में अटैक करने चलते हैं। सो देखते गाइस 8 अटैक बचे फर्स्ट अटैक के दिन का, कैसा रहा था, आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है, सीरियसली लेजेंड लीग। अब अपन को थोड़ा बेस पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा मैं कैमरे में नहीं देखूंगा बिकॉज बेस को देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बेस पे फोकस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक लून आएगा, यहाँ क्वीन, पीछे से सारी हीलर्स आएगी, क्वीन जा रही है सही। इधर अपन डाल देंगे बेबी 1 2 3, इधर अपन वॉल रेकर, अरे बॉम्ब आ गया, वापिस डालना पड़ेगा मेरे को गाइस। ये क्वीन मतलब गलत साइड जा रहे हैं वॉल रेकर, ये मेरे को पता था, क्वीन लौट कर आ सकती है, नहीं गई, वो गोल्ड स्टोरेज पे चली गई, अब आगे चली जाएगी सीधा सीधा। अब क्या ही बोले क्वीन को, थोड़ा दिमाग कम है यार गाइस हमारी क्वीन में। अब आ रही है जब आने का कोई फायदा नहीं है, लाइक मतलब आर यू किडिंग मी, अब किधर जा रही है भैया, डिफेंस तोड़ दे, चलो कुछ तो किया है डिफेंस तो थोड़ा एटलीस्ट। इधर किंग डाल देते हैं, अब आजा नीचे वाली तरफ यार, ऊपर मत जा, इतना ऊपर ना जा, हाँ मेरे को तेरे को उधर ही लेकर जाना है। होगी आ गए बहुत सारे, होगी होगी किंग आने वाला है, अब डालना पड़ेगा अपन को रेज, क्वीन का एबिलिटी करना ही पड़ेगा पॉपअप, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अपन डालते हैं अपने माइनर्स, होग राइडर, आरसी को मैं बचा लूंगा और एक फ्रीज को बचा लूंगा, आरसी और फ्रीज बचा के रखते, इधर डाल देते पॉइजन। एंड अब यार ये सीन गलत हो गया, बस बाकी सारे सीन सेटअप सही है। ये मेरे को आरसी डिप्लॉय में पहले टाउन हॉल निकालने की सोच रहा हूँ, अगर टाउन हॉल निकल जाता है तब तो आरसी डालूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ठीक है अब आरसी डाल देते, टाउन हॉल निकल जाएगा, यस टाउन हॉल निकल चुका है। इधर एक और हील डाल देंगे, आरसी मार देगी ड्रैगन्स को, सो एक डिसेंट अटैक अभी तक मुझे लग रहा है ये वाला। इधर एक अपन डाल सकते हैं मिनियन, एंड इधर अपन डाल सकते हैं एक आर्चर, सो आरसी उधर से क्लियरिंग कर ही रहा है। इधर डाल सकते हैं एक विजर्ड, आरसी एबिलिटी, सो आरसी एबिलिटी ने भी काफी सही काम किया है अपना। एंड अभी अपन को और आर्चर वगैरह डिप्लॉय करनी है, एक आर्चर इधर आ सकती है, मार दिया उसने, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। सो गाइस एक 2 स्टार डिसेंट अटैक, नथिंग गुड, तो
फिर भी यार गाइस कभी कभी होता है ना, क्वीन अगर पार्किंग मतलब क्वीन वॉक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्वीन पहले ऊपर साइड चली गई अगर वो इधर आती एंड वो एक बॉम्ब की वजह से मेरे को एक टेस्टिंग वॉल ब्रेकर डालना है, बट यार छह ही लेकर आ सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है दस दस लेकर आऊंगा, तो ये भी एक इश्यू हो जाता है। एंड अभी एक लाइव वॉर अटैक चल रहा है, चलिए आपको कवर अप करते हैं। निसार भाई अटैक कर रहे हैं नंबर 9 पे, सो वॉर बहुत हार्ड हो गई गाइज, ये टोटली मिसमैच है। अभी देखते हैं गाइज अटैक में क्या होने वाला है। यहाँ पर किंग डाला गया है, वॉल ब्रेकर डाला एंड वॉल ब्रेकर गाइज सीधा वॉल पे गया। अब इन्होंने दो वॉल ब्रेकर डाले, अब ये वॉल ओपन हो जाएगा। अरे इनके वॉल ब्रेकर लेवल 6 के, इसीलिए गाइज तीन वॉल ब्रेकर भी ये वॉल ओपन नहीं कर पाए, बट किंग ही कर देगा। अब तो एक दो हिट मारेगा किंग घुस जाएगा, बट किंग के घुसने का फायदा क्या हुआ, बट देखते हैं अभी क्या कर रही है। येटे के साथ में इन्होंने जो कॉम्बिनेशन ट्राई किया उसमें विचिज है, बोलर्स है एंड कुछ येटीज है, एंड अब यहाँ पर येटी वॉक चल रहा है, येटी के पीछे से आ रहा है WW, तो देखने वाली बात है ये टाउन हॉल तक पहुंच पाएगा। क्वीन आ गई, वार्डन आ गया, पीछे से विचिज आ गई, बट ये लो लेवल हीरोज है, आपको पता ही है हमारे क्लाइंट में अभी मैक्स आउट टाउन हॉल 13 नहीं है। अगर आप मैक्स आउट टाउन हॉल 13 हो, हमारे साथ मिलके खेलना चाहते हो, क्लाइंट के साथ मिलके खेलना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, अपनी प्रोफाइल DM कीजिए एंड डेफिनेटली आप परमानेंट मेंबर बन सकते हो बेस्ट फ्रेंड के। अगर मैक्स आउट हो CWL वगैरह इंजॉय करेंगे काफी, तो देख लो आपके ऊपर है आना ना आना। हाँ चलो गाइस ये टाउन हॉल तक आ गए, टाउन हॉल पे एक फ्रीज का यूज किया गया एंड इजिली डिस्ट्रॉय भी कर देंगे टाउन हॉल को, बट यहाँ पर एक चीज खराब है, CC आ चुका है एंड वार्डन एबिलिटी बिल्कुल सही टाइम पे यूज की गई है। एंड ये एक 2-स्टार अटैक तो कंफर्म हो जाएगा, बट 3 मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि सारे मल्टीपल टारगेट इन्फर्नोज है, बट अटैक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लो लेवल हीरोज के साथ में भी मतलब हाई परसेंटेज निकाल लेना यार ऐसे बेसिस पे अच्छी बात है, भले 12 है बट गाइज हार्ड होता है लो लेवल हीरोज के साथ, बट स्टिल इट इज गोइंग OP गाइज, कोई इशू नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर अपर साइड में कुछ गए एंड गाइज ये एक डिसेंट अटैक है, ये भी 2-स्टार एंड अगर मैं आपको अभी वॉर की हालत दिखाऊं तो भाई बहुत ज्यादा भाई यार, ये देखो यार ये भी अटैक कर रहे हैं, अभी यहाँ पर अटैक चल रहा है, नंबर 1 नंबर 6 को टारगेट कर रहा है, मैक्स आउट बेस है हमारा बेस, देख रहे हो रश भाई उनके हीरोज देखो 72 75 50 20। मैं कुछ बोल नहीं सकता सुपर सेल को इस मैचिंग के लिए, मैं अभी दिखाऊंगा जो मेरा दुख है ना अंदर का वो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे टॉप 4 बेस दिखाऊंगा, उनके टॉप 4 बेस दिखाऊंगा, आप डिफरेंस करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इस मैचिंग के बारे में। RIP माय क्लैन। सो गाइस ये एक इजी 3-स्टार अटैक है, इस बेस में कुछ भी नहीं है, और ये देखो अर्थक्वेक का क्या ही यूज किया भाई OP, पूरा बेस खुल गया एंड भाई अब कुछ बचा ही नहीं है बेस में, क्या ही बचा है भाई, वॉल्स लेवल वैसे ही छोटे छोटे हैं और वॉल पूरा ओपन कर दिया और मैक्स आउट लेवल हीरोज लेकर आएगा तो फिर क्या ही बचेगा, बट हमारा बेस भी डिफेंड करने का पूरा ट्राई कर रहा है बट नहीं कर पाएगा, बात अलग है बट ट्राई तो कर रहा है, ट्राई करना तो बनता है। एंड ये एक स्प्लैश डैमेज आया टाउन हॉल का, बट वो भी ज्यादा वर्क नहीं किया एंड RC मैक्स है, क्वीन भी मैक्स कर ली, किंग भी 72 कर लिया, मतलब क्या ही बोले यार, हीलर्स जिंदा है, क्वीन की एबिलिटी बची है, RC की एबिलिटी बची है एंड बेस में क्या ही बचा है भाई, बेस में कुछ नहीं बचा एंड लाइक सीरियसली उन्होंने हमारे ऑलमोस्ट सारे बेसिस 3 कर दिए, देख रहे हो 30 के 30 बेसिस में से एक बस ये बच गया महाकाल, एक ये मेरा बच गया, मेरा क्योंकि नहीं होगा यार 95% हुआ फिर भी मेरे बेस पर अटैक। एंड अभी मैंने बोला था हमारे टॉप 4 और उनके टॉप 4 दिखाऊंगा, देखो गाइज एक मैं नंबर 1 से शुरू करता हूँ जो मेरा बेस है, मैक्स आउट है माना, हीरो 70 70 50 20 है बट उनके 75 हो गए, वो चलो ठीक है वो इतना चलता है, बट ये सेकंड बेस देखो टोटली रश बेस है, वॉल्स वगैरह भी हीरो वगैरह भी देखोगे तो बस क्वीन मैक्स है, RC भी ऑलमोस्ट मैक्स है, वार्डन का लेवल लो है एंड किंग का लेवल तो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है आगे की बात करते हैं। नंबर 3 ये हमारा प्लेयर्स में तो रेड वॉल्स है गाइज, देख सकते हो वार्डन का लेवल 12 है, RC भी मैक्स नहीं है इसमें, तो क्वीन भी मैक्स नहीं है, किंग भी मैक्स नहीं है, 19 क्वीन किंग है एंड 37 क्वीन है। आगे बात करते हैं नंबर 4 की, नंबर 4 में तो गाइज स्कैटर शॉट ही नहीं है, एक भी स्कैटर शॉट नहीं है एंड हीरोज की तो पूछो ही मत गाइज, 19 8 28 8 देख लिया हीरो। अब मैं उनके टॉप 4 बेस दिखाता हूँ जो 9 साफ ही हुई ना हमारे क्लैन के साथ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज, अब उनके 1 2 3 4 बेसेस दिखाता हूँ, हमने सबको 2 कर दिया, बट गाइज ये एक मैक्स आउट बेस है ठीक है, तो मेरा बराबर मैं भी मैक्स तो मान लिया, एक बेस मैक्स आ जाए ठीक है, बट ये दूसरा बेस गाइज हीरो लेवल देख लो, 73 की क्वीन, 20 का RC एंड इधर देखो 50 का वार्डन, अब इनके किंग महाशय किधर है,
ये रहा किंग 70 का, मतलब सेकंड बेस भी फुल्ली मैक्स आया है, हमारे देखा था पूरा रश था। नंबर थ्री भी मैक्स आया है, मतलब आ रहा है भाई मैक्स आउट लेवल क्वीन, देख रहे हो मैक्स आउट लेवल क्वीन, किंग, वार्डन, आरसी सब मैक्स। फोर की बात करता है, फोर पे हमारे तो स्कैटर शॉट तक नहीं थे नंबर फोर वाले बेस पे, इनका मैक्स वार्डन, मैक्स आरसी, मैक्स क्वीन और ऑलमोस्ट किंग भी मैक्स। क्या बोलूं मैं ऐसी मैचिंग को, क्या मतलब। और ये नंबर फाइव है, इसके पास भी किंग मैक्स है, आरसी मैक्स है, क्वीन वगैरह सब मैक्स है गाइस, इस बेस में भी वार्डन भी मैक्स है नंबर फाइव। हमारे बेसिस में तो स्कैटर शॉट ही नहीं है और सुपर सेल वाले मैचिंग में हमें दे रहे मैक्स आउट टाउन हॉल 13। तो हाउ वी कम्पीट देम, हाउ कैसे हरा सकते हैं इन बेसिस को, मतलब वो जो फाइव है वो हमारे रश बेसिस का क्या करेगी आप बताओ। ये इतने ज्यादा रश बेसिस है देखो, बट यार ये CWL नहीं है, CWL में माना कि मैचिंग नहीं होती बराबर वालों से, वो लीग पे डिपेंड करता है, बट यार नॉर्मल वॉर में भी ऐसी मैचिंग देके दिल टूट गया था इस वॉर से, मतलब कुछ नहीं कर सकते यार। अगर आपके पास रश टाउन हॉल 13 है, आपको वॉर खेलने की हिम्मत ही मत करो, खेलो ही मत तुम वॉर। टाउन हॉल 13 रश है तो सामने रश नहीं आएगा, सामने मैक्स ही आएगा फुल फुल। एंड उसके अलावा मैं और दुख दर्द बताता हूं अपना, नंबर 30 गाइस देखना, नोट करना ये चीज, हमारा नंबर 30 टाउन हॉल 8 है, सामने एक भी 8 नहीं आया है सामने, ठीक है। आगे और देखो मिस मैचिंग की हद, हमारा 9 है नंबर 29 एंड हमारा 28 भी 9 है, ठीक है, और हमारा 27 भी 9 है एंड 26 जो है वो बिल्कुल न्यूली टाउन हॉल 10 एस में इन्फर्नो तक नहीं है, ठीक है। अभी उनके दिखाता हूं मैं आपको नीचे के चार बेस, ये यहां से देखो गाइज, हमारा टाउन हॉल 8 था नीचे नीचे, इनके यहां पर क्या है टाउन हॉल 11 इंजीनियर बेस, मतलब इंजीनियर बेस ही है 11 का। आगे चलते हैं फिर टाउन हॉल 11 इंजीनियर बेस, हमारे 8 के सामने इनके इंजीनियर आ रहे आरआईपी सुपर सेल, एससी मिसमैचिंग क्या, और टाउन हॉल 9 एक भी नहीं है, फिर टाउन हॉल 10 है, ये भी एक तरह का इंजीनियर बेस है, बट टाउन हॉल 9 इसने डिफेंसिव मैक्स कर ली और वॉल टाउन हॉल 10 के हिसाब से मैक्स कर ली, तो टाउन हॉल 9 के प्लेयर के लिए इसको हिट कर पाना मुश्किल है। बट मेरा डेक है, मैंने इसको 3 कर दिया, 27 मेरा जो था अकाउंट रॉयल बना नाम से अकाउंट है, टाउन हॉल 9 मैक्स आउट है, उससे मैंने इस वाले बेस को 3 कर दिया। आगे बात करो ये फिर से टाउन हॉल 10, इसमें एयर डिफेंस भी मैक्स है, मतलब आरआईपी गाइस, मिस मैचिंग की जो हद होती है ना वो लिमिट पार हो गई। अब ऐसी वॉर हम कैसे जीत सकते हैं आई डोंट नो, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी वॉर जीतने का। हमने ट्राई किया है, हमने भी काफी बेसिस 3 किए 2 किए, भाई इससे ज्यादा कर पाना यार पॉसिबल नहीं है हमारे क्लाइंट के लिए। बट यार एनिमी ने आरआईपी करा है हमारे को, पूरा टोटली आरआईपी रैक कर दिया है। एंड अभी देखो अटैक्स हो रहे हैं, नंबर 9 वाला नंबर 8 पे कर रहा है, तो गाइस ये अटैक मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो दर्द समझो तुम मेरे दिल का, ठीक है, कि भाई क्या इलाज है यार ऐसी मैचिंग का, मतलब इतनी मिस मैचिंग, इतनी लाइक इस लेवल पे, मतलब रश के सामने फुल्ली मैक्स टाउन हॉल 13 आ रहे हैं, क्या ही करे। मैचिंग पे वर्क करना चाहिए सुपर सेल को अपनी, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, आपको क्या लगता है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जाओ कमेंट करो बताओ आपको क्या लगता है। एंड इस तरह के वॉर यार कैसे जीत सकता है कोई क्लैन, मतलब नाइंसाफी है टोटली, मतलब कुल मिला के रश बेस अगर आपने कर लिया तो आप वॉर नहीं खेलोगे, दैट इज इट, यही एक चारा बचता है क्लैन लीडर के पास, जो रश बेसिस है उनको मैक्स जल्दी करवाने की जगह उनको वॉर से आउट कर दो तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने मैक्स बेस आएंगे, और अगर भाई मैक्स बेस आने से क्या क्या हानियां हो जाती है, मतलब नुकसान हो जाते हैं क्लैन को, एक तो दो दो अटैक होता है हर बेस के, अब वो दो मैक्स प्लेयर है, अब दो रश को 3 मारेंगे ना तो क्या ही बचता है। अब देखो हॉग राइडर स्पैम कर दिया, क्योंकि इधर स्कैटर शॉट नहीं है, ये इजी 3-स्टार अटैक है, क्योंकि हॉग राइडर है ही नहीं ना बेस में, हॉग राइडर है ही नहीं, मतलब हॉग राइडर के स्कैटर शॉट नहीं है, हॉग राइडर ही हॉग राइडर है बेस में अभी। इधर क्वीन मे बी डाई हो जाएगा, हाँ क्वीन टाउन हॉल नहीं लेगा, अगर हॉग राइडर मर गए तो गाइस एक वन हो जाएगा आरआईपी अटैक, बट मेरे को लगता नहीं यार ऐसा हो पाएगा, आपको क्या लगता है। देखो टाउन हॉल पे गए, टाउन हॉल पे गए होगी, होगी टाउन हॉल पे गए, बट यार इतने सारे हॉग डाले हैं ना, स्कैटर शॉट नहीं है, अगर स्कैटर शॉट होता
तो ये एक थ्री नहीं होता, तो एक इजी थ्री स्टार अटैक। अगेन गाइस ऑलमोस्ट परफेक्ट वॉर करी है एनिमी ने, 89 स्टार हो गए इसको मिलाकर, एक स्टार कम है जो मेरा बेस थ्री नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज आई एम मैक्स, दैट्स व्हाई कांट थ्री ऑन मी। बाकी सारे बेस इन्होंने क्रश कर दिया भाई टोटली, मतलब भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इनके लिए, भाई ये थ्री नहीं होगा क्या, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लावा पप्स। अगर आप देखोगे लावा पप रेगुलरली डैमेज कर रहे हैं, बट गाइस टाइम बहुत है, होग्राइडर बहुत सारे जिंदा और कुछ ज्यादा बिल्डिंग्स बची नहीं है, तो एक ये थ्री तो है बट लावा पप्स ने बहुत अच्छा काम किया यार, क्या ही बोलूं मैं, जी जी लावा पप्स, बट तुम इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे, बैड लक फॉर अस। देख लो कितना दर्द है लाइफ में गेमिंग में भाई, क्या बोलूं यार, इतना मिस मैचिंग जब होता है दिल टूट जाता है यार। हम सोच रहे वॉर विन स्ट्रीक हम कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे वॉर पे, वर्क करा, डोनेशन किया, सब किया, मेहनत की, बट एट द एंड ये ऐसे वॉर देखने को मिलते हैं हमारे को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए क्लैश ऑन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन अवेलेबल है, दबा करके जाना। चलिए बाय बाय, हैव नाइस।